हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी पनीर चंगेजी, जो बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर। पनीर को बड़े बड़े पीस में काट लेंगे। इसको मैं इसमें बाउल में डाल देती हूँ। 1 टी स्पून काली मिर्च दरदरा किया हुआ, 1 टी स्पून चाट मसाला, चाट मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, 1 टी स्पून मिर्ची का पाउडर, 1 टी स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून बेसन, 1/2 टेबल स्पून अदरक ग्रेट किया हुआ, आप पीस कर भी डाल सकते हैं अदरक को, 1 टी स्पून नमक, 2 चम्मच दही, 2 बाइंडिंग के लिए मैंने दिया है इसमें बेसन। इसको मिला लेंगे हल्के हाथों से, जिससे पनीर ना टूटे। ये मैंने मिला लिया है। 20 मिनट के लिए इसको फ्रीज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, ताकि पनीर सारे मसाले को अब्जॉर्ब कर सके। एक पैन लिया है मैंने, उसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून तेल सरसों का। तेल को कर लेंगे अच्छी तरह से गरम। इसमें पनीर को सेक लेंगे। इसको लो मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। इसको उलट लेंगे। इसको चारों साइड से इसी तरह से सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये सीख गए हैं। इसको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। एक कढ़ाई लेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। 2 टमाटर और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैं पीस लूँगी। 2 टेबल स्पून ऑयल, सरसों का, कुछ खड़े मसाले, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 3-4 लौंग, 7-8 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और 1 हरी इलायची। सबको डाल देंगे तेल में और इलायची का मुंह खोल देंगे, क्योंकि इसके दाने जब मुंह में आएंगे ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो सबको भून लेंगे थोड़ा सा। एक बारीक कटा हुआ प्याज, आप बिना प्याज का भी बना सकते हैं। प्याज को भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसमें डाल देंगे टमाटर और अदरक का पेस्ट। आप टमाटर बारीक काट के भी ले सकते हैं। 1 टी स्पून हल्दी, 1 टी स्पून धनिया का पाउडर, 1 टी स्पून जीरा का पाउडर, सबको मिला लेंगे। तो देखिए टमाटर से ऑयल सेपरेट हो गया है। इसमें डालेंगे 2 चम्मच ताज़ा दही। दही खट्टी नहीं लेनी है। और फ्लेम को कर देंगे लो पे, नहीं तो दही फट जाएगा। और इसको चलाते रहेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। तो देखिए मसाले से तेल सेपरेट होने लगा है। तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच घर की ताज़ा मलाई। तो आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए हाइब्रिड वैरायटी का ही टमाटर ले, ज़्यादा खट्टा वाला टमाटर ना ले।
उससे अच्छा ग्रेवी बनता है। और ताज़ा दही लें 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। मसाले का कलर कितना अच्छा लग रहा है और खुशबू से मेरा किचन तो महक उठा है, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले से। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, तो देखिए मसाले से फिर से एक बार ऑयल सेपरेट हो गया है और मलाई से भी घी निकला है। इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, तो इसमें डाल देंगे 1 बाउल पानी। आप अपने अनुसार ग्रेवी को पतली और गाढ़ी कर सकते हैं। इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। इसमें डाल देंगे पनीर को, और इसको 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाएंगे, जिससे इसमें ग्रेवी एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए 5 मिनट हो गया है। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने ग्रेवी को ज़्यादा तीखा नहीं बनाया है, तो आप अपने अनुसार बना सकते हैं तीखा। अब गैस को कर देंगे बंद। तो देखिए ये बनकर रेडी हो गया है। ये कैसा बना है आप लोग बताइएगा कमेंट में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।